हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए और कोई भी पुराना कपड़ा चाहिए जिसे आप बना सकते हैं बिना सिलाई मशीन के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स है जो घर में बेकार पड़ा हुआ है, किसी भी साइज़ का हो तो वो चलेगा। तो ये प्रेशर कुकर का डब्बा है और इसके अंदर भी कार्डबोर्ड है, इसका भी काम आ जाएगा। तो देखिए, बीच में ये यहाँ पर कार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए हम एक पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए कार्डबोर्ड के, ये जो कार्डबोर्ड का पीस है इसे हम कट करेंगे। तो ये प्रेशर कुकर के साथ ही दिया था, तो इसका एक पीस हमने कट कर लिया है और बीच में जहाँ पर कार्डबोर्ड नहीं है वहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, सेट करके इसको हम रख देंगे। और फिर देखिए इस तरह से दोनों साइड को अंदर की तरफ कर लेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके हटा सकते हैं या फिर कट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको अंदर की तरफ सेट कर देंगे तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसमें लगाने के लिए कोई भी आप पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो ये पुराना टी शर्ट लिया है जो ख़राब हो गया, फट गया है, आप कोई पुराना कपड़ा ले सकते हैं और ये इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाए। देखिए हमें इसे क्या करना है कि सबसे पहले स्लीप के साइड से सीधे में हमको कट कर लेना है। तो ये देखिए कट हो गया है, उसके बाद हम इसका मेजर कर लेंगे। जो भी आपके कार्डबोर्ड का साइज है उसको हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसको इन कर लिया है और उसके बाद देखेंगे ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है। तो ढीला हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको साइड से थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे। तो इसके बाद देखिए उल्टा कर लेना है, उल्टे में हमें सिलाई लगाना है। आपके पास अगर सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथों से भी इसको सिल के बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है। तो लगभग 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई की हमें सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है। तो इसको हमें सीधी सिंपल सिलाई लगा लेनी है 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई की। बहुत ही आसानी से ये सिल के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से भी सिल लेंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसे हमें कार्डबोर्ड जो बॉक्स है उसमें लगाना है। तो देखिए जो नीचे का किनारा है उसे हम इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की तरफ से करेंगे, सेट कर लेंगे और फिर पलटते हुए इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। पीछे की तरफ से अच्छे से हमें इसको सेट कर लेना है और इसको पकड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है एकदम बराबर से मिलाते हुए, और साइड से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। और देखिए अंदर की तरफ भी अच्छे से ये इंसर्ट हो गया है। आपके कार्डबोर्ड बॉक्स का जो भी साइज है आप उस हिसाब से इसको कट करें। आप इसमें लगाने के लिए कोई भी पुराने कपड़े ले सकते हैं। तो ये टी शर्ट का था तो इसमें ज़्यादा सिलाई की जरूरत नहीं पड़ी, साइड से तो ये सिला हुआ था। तो इस तरह से देखिए हमें फोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही जल्दी सिलाई लग के रेडी हो जाती है, हाथों से बारीक सी हमें सिलाई लगा लेनी है। जो तुरपाई वाली सुई होती है उसी से सिलाई लगाया है। तो इसको धागा को हमने डबल कर लिया है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है, पकड़ते हुए अच्छे से टाइट से खींचते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। और इस तरह से देखिए कॉर्नर के पास तिरछे में घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो जो तिरछा वाला कॉर्नर है उसके पास भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से इसको सिल के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में सिलाई लग के रेडी हो गई है। और फिर अब हमें इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ से अच्छे से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बॉक्स बन गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह का जो हमारे पास कार्डबोर्ड बॉक्स था, अगर आपके पास अलग से है तो आप इसको लगा सकते हैं या फिर नहीं है तो इसके साथ जो दिया है उसे ही कट करके हम इसके वेस के लिए लगा लेंगे। तो वो अंदर वाला जो हमने फैब्रिक लगाया था वो अच्छे से सेट रहेगा, निकलेगा नहीं। तो ये जो इस तरह से देखिए फैब्रिक निकल जा रहे हैं, तो इस तरह से जो हम बेस लगाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। तो ये वाला मेरे पास कार्डबोर्ड था तो इसी को मैंने सेट कर लगाया। आपके पास अलग से भी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं सेम मेजरमेंट का कट करके। तो ये देखिए इसमें बेस लग गया है, ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। और इस तरह का कोई भी आपके पास शॉपिंग बैग पड़ा हुआ है तो आप इसके नीचे से लगा सकते हैं, अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है तो आप फैब्रिक को भी सेट कर सकते हो। तो देखिए हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में, और इसमें बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। तो देखिए इसमें मैंने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, कितने सारे कपड़े हमारे आ गए हैं। इस तरह से आप वार्डरोब में इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल फ्री में। तो इसमें आप कपड़ों को भी रख सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह के सामान को आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें देखिए कपड़ों को निकालना भी काफ़ी आसान है, जो भी आपके कपड़ों को जरूरत है आप उसको निकालिए और फिर इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। रैक में, वार्डरोब में, कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसमें बच्चों के बुक्स वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट है और इधर उधर से ये निकलेगा भी नहीं। तो सारे बुक्स कॉपीज़ वगैरह इसमें आ गए हैं और देखिए कितना ज़्यादा ये भारी हो गया। बच्चों के बुक्स वगैरह भी तो काफ़ी भारी होते हैं,
तो देखिए इसमें हमने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, कितने आसानी से ये वाला ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में इसे हमने बना के रेडी कर लिया है। और सेकंड वाला आइडिया भी हम बनाएंगे कार्डबोर्ड बॉक्स से ही, उसमें मैंने सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके सिला है, आप चाहे तो उसको हाथों से भी सिल के बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए इस तरह के हम कोई भी कार्टून ले लेंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ आती है, काफ़ी मोटी और अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी मजबूत ये कार्टून है। तो ये साइड से जो है उसे आप चाहे तो कट कर सकते हैं या फिर अंदर की तरफ इसको सेट कर सकते हैं। तो एक साइड वाला हम कट करके हटा लेंगे, इसका हम फ्लैप बनाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड मेरे पास नहीं है, तो इसी का हम फ्लैप बनाएंगे, इसको हम कट करके साइड में रख देंगे। तो इस तरह से ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद फ्लैप बन जाएगा। और देखिए दो साइड से ये बचा हुआ है, तो इसको भी आप कट करके हटा सकते हैं या फिर इसको अंदर की तरफ इन कर देंगे। तो देखिए हम इसे अंदर की तरफ दबाते हुए इन कर देंगे, इससे ये अच्छे से ये सेट हो जाएगा और ये मजबूत भी हो जाएगा। अब देखिए इसका हम मेजर करेंगे, तो यहाँ से देखिए इसकी लंबाई नापेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई नाप लेंगे, यानी कि जितनी लंबाई है उसका हमें डबल लेना है। और फिर एक हम इस तरह से घुमाते हुए पूरे सर्कल का, पूरे राउंड का नाप ले लेंगे और जितना भी नाप आ रहा है उसमें हम एक इंच प्लस कर लेंगे दोनों मेजरमेंट में। अब इसमें लगाने के लिए देखिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, ये पुरानी साड़ी है, पुराना बेडशीट या फिर कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो इसका हम मेजर करके कट कर लेंगे, तो ये देखिए कट हो गई है और जितनी भी मेजरमेंट है उससे मैंने एक इंच प्लस कर लिया है। तो लंबाई इसकी थी 53 इंच, तो उसमें मैंने एक इंच प्लस करके 54 इंच लिया है। और चौड़ाई इसकी थी 27 इंच, उसमें एक इंच प्लस करके 28 इंच लिया। अब देखिए इस तरह से हम इसको एक साइड से किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, तो ये देखिए सिलाई लग गई है। और अब हम इसे इस तरह से देखिए उल्टे में करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे, तो ये देखिए सिलाई लग गई है और ये अच्छे से जॉइंट हो गया है। अब इसे हम साइड रखेंगे। अब नीचे के बेस के लिए हम एक फैब्रिक कट करेंगे, तो इस तरह से हम रखेंगे और फिर यहाँ पे निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए निशान लग गई है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए फैब्रिक कट हो गया है, अब ये नीचे के बेस के लिए बिल्कुल रेडी है। और देखिए सभी किनारों से, सभी जगहों से ये हाफ इंच एक्स्ट्रा है जो हमारे सिलाई मार्जिन के लिए होगा। अब हमें इसे इसमें जॉइंट करना है, तो फैब्रिक को उल्टा करते हुए हमें सिलना है। सबसे पहले हम किनारे पे जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से मिलाते हुए, सभी किनारों को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे और पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है, अब इसे सीधा कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए सीधा हो गया है और अब हम इसको इसमें कार्टून में इसको सेट करेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इसे सेट करना है चौड़ाई लंबाई देखते हुए, तो इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे, खींचेंगे और देखिए अच्छी तरह से इसको सेट करते जाएंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से ये सेट हुआ है, ना ढीला बना है ना ज़्यादा टाइट बना है, बहुत ही अच्छे से ये फिट आ रहा है, काफ़ी मस्त बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से देखिए हमें सेट करते जाना है सभी जगहों पे, नीचे की तरफ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की तरफ से सेट कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सा हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी है। आप किसी भी साइज़ के कार्डबोर्ड की इसी तरह से आप बना सकते हैं। और ये देखिए इसका अब हम फ्लैप बनाएंगे, जो हमने कट किया था ऊपर की तरफ से कार्डबोर्ड को, उसको हम इस तरह से चौड़ी वाले सेलो टेप से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए ज्वाइंट हो गई है। अब इसके सेम मेजरमेंट का हम दो पीस लेंगे और सभी किनारों पे 1/4 इंच इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए दो पीस हमारे कट हो गए हैं और अब हम एक और लंबी सी पट्टी लेंगे जो 5 इंच चौड़ी है, उसका हम फ्रिल बनाएंगे। तो एक पीस को साइड रखेंगे और एक पीस के ऊपर देखिए इस तरह से हमें डबल लेयर करते हुए फ्रिल बना लेना है। इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे सभी किनारों पे। तो जो हमने 5 इंच की चौड़ी पट्टी की थी उसका हमें फ्रिल बनाते जाना है, कपड़े को डबल करना है और फिर इस तरह से फ्रिल बनाते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे फ्रिल बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
काफ़ी आसानी से ये बन के रेडी हो जाता है, बहुत आसानी से ये सिल जाता है। और कॉर्नर पे देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें सिलाई लगाना है, मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और कॉर्नर पे देखिए इस तरह से ये सिल के रेडी हो गया है, पूरे में फ्रिल लग के रेडी हो गया। अब इसके लिए हम एक हैंडल बनाएंगे, तो 9x3 इंच की ये पट्टी है, उसके बीच में एक प्लास्टिक की बोरी रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हैंडल बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे, तो इसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर अच्छी तरह से सेट करते हुए यहाँ पर हम कॉर्नर पे एक निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए निशान लग गई है सेंटर पे और एक लंबी सी निशान लग गई है। वहाँ पे हमें दोनों साइड में 3 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमें हैंडल को अटैच करना है, तो जहाँ पे हमने निशान लगाया है 3 इंच पे, उसी के ऊपर से रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हैंडल अटैच हो जाएगा, दूसरे साइड भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हैंडल अटैच हो गया है। और अब एक दूसरा पीस जो है हमारे पास, उसे हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रिल को अंदर की तरफ को करेंगे और फिर मिलाते हुए इसके 3 साइड में हमें सिलाई लगाना है, एक साइड में नहीं लगाना है, बस 3 साइड ही हमें मिलाते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेना है। और काफ़ी आसानी से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत ही कम खर्च में, ना लाइनिंग लगी है, ना राइस बैग लगी है, ना आटा बैग लगा है। और कॉर्नर पे ऐसे घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और सिर्फ एक कार्टून से बन के रेडी हो गए। तो ये देखिए सिलाई लग गई है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कार्डबोर्ड रेडी किया था, टेप लगा के जोड़ा था, उसको हम इसके अंदर कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और कार्डबोर्ड है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं हो तो इस तरह से भी आप इसको ज्वाइंट करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक साइड में जो इसका सिलाई खुला हुआ है, उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हाथों से सिल लेंगे। तो ये बारीक वाली सुई है, उसमें मैंने डबल एड का धागा लगाया है और इस तरह से हमें सिल लेना है। तो ये देखिए सिलाई हो गई है और ये सुंदर सा फ्लैप हमारा बन के रेडी हो गया है और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र भी बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। और साथ में इसके साथ कवर भी बना है, तो हमारे कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। जो हम कपड़े धुलने के लिए रखते हैं, लॉन्ड्री के लिए रखते हैं, उसे हम इसमें स्टोर करके रखेंगे और एक जगह पर ये रहेंगे और फिर कवर भी लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकते हैं, इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। और काफ़ी बड़े साइज की ये बन के रेडी हुई है। तो इस तरह के कार्डबोर्ड ऑनलाइन शॉपिंग के साथ हमें मिल जाती है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मोटी वाली कार्डबोर्ड कार्टून होती है। और इसमें सिर्फ एक पुरानी साड़ी लगी है, आप चाहे तो कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, पुराने बेडशीट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में बना हुआ आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।